दोस्तों, जिन भी भाइयों को थाने में दारू शराब के द्वारा जब्त किया गया गाड़ी खरीदना है 5,000-7,000 में, बाइक, कार, पिकअप, टेम्पू, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें कंप्लीट जानकारी दिया गया है और अभी अभी एक बहुत ही बड़ी नोटिस जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सहनी के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं कई दिनों से वीडियोज नहीं ला पा रहे थे फ्रेंड्स, और आज अभी अभी जो है बहुत ही भयंकर नीलामी की नोटिस जारी किया गया है। और मैं नीलामी का वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था ताकि आप लोग क्या है कि वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। और आज से मैं फिर से कंटिन्यू, जैसे ही किसी भी ज़िले में बिहार की नीलामी की कोई भी नोटिस जारी होगा तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को जो नीलामी में है कौन कौन सी बाइक है, कितना कितना प्राइस रखा गया है। और आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी गाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको भी पता है कि अभी बिहार में दारू शराब बंद है और दारू शराब तस्करी में जो थाने में पुलिस के द्वारा बाइक व कार जब्त किए गए होते हैं उस गाड़ी को नीलामी किया जाता है, हर महीने होती है। और इसमें आप किसी भी ज़िले से हैं तो आप नीलामी में भाग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें ये थाने में आप बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में गाड़ी खरीद सकते हैं। 2,000-5,000 रुपये भी अगर आपके पास है ना तो आप खरीद सकते हैं। और आइए वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी भी दूंगा और कितना कितना प्राइस रखा गया है मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खुद बिहार सरकार के द्वारा ये नोटिस जो है जारी किया गया है। और इस नोटिस में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 6/3/2023 को नीलामी किया गया था, जो कि प्रातः 11 बजे पूर्वाहन नीलामी किया गया था। और इसमें जो नीलामी में शेष गाड़ी बच गए थे उसकी अगली दिनांक जो है नीलामी का, यहाँ पे देख सकते हैं 11/3/2023 को प्रातः 11 बजे नीलामी किया जाएगा। अगर आपने नीलामी में भाग नहीं लिए है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेट दिया गया है, एक जो है नीलामी वो हो चुका है 6/3/2023 को। अगर उसमें नहीं ले पाया तो इसकी अगली नीलामी देख सकते हैं 11/3/2023 को किया जाएगा। और इसके बाद देख सकते हैं अगर इसमें भी अगर आप नहीं भाग ले पाते हैं तो फिर से 15/3/2023 को यहाँ पे देख सकते हैं 11 बजे नीलामी किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? समाहरणालय जमुई में, जमुई के सभा कक्ष में नीलामी होगी। और वहीं से आप लोगों को फॉर्म लेना पड़ेगा और एक फॉर्म फिल करना है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, एक फॉर्म फिल कर देना होता है। इसके बाद आपको वहाँ पे जाकर के गाड़ी में बोली लगाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे लोग जो है फॉर्म फिल किए होते हैं और वहाँ पे जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली लगाएंगे, यहाँ पे बोली का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना कि नीलामी, जो व्यक्ति ज़्यादा बोली लगाते हैं उसके नाम से गाड़ी कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस होता है और कोई प्रोसेस नहीं है, एक फॉर्म भरना है। और चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि थाने में जो गाड़ी है वो कैसा कैसा गाड़ी है और कितना कितना प्राइस है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जमुई ज़िले की नोटिस दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं थाना का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटिस में आप देखिए थाने के नाम, कौन कौन से थाने में कौन सा गाड़ी रखा गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 36 नंबर गाड़ी का नाम दिया गया है मोटरसाइकिल, और इसका प्राइस ओनली 2,000 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं 2,000 रुपये इसका निर्धारित मूल्य रखा गया है। देख सकते हैं 2,000, 4,000, 6,000, 5,000। और देखिए फ्रेंड्स, एक ब्लोरो पिकअप है जिसका कीमत 35,000 रुपये रखा गया है। और एक बात आप लोग पहले ध्यान दीजिए कि आपको अग्रधन के रूप में कुछ पैसा आपको पहले जमा करना होगा। अगर आप नीलामी में भाग लेंगे तो जो भी गाड़ी आप लेंगे उसका 10% रुपया आपको पहले जमा किया करना होगा वहाँ पे। और हाँ, एक कंफ्यूजन आप लोगों को ये भी कंप्लीट कर देते हैं, जो पैसा आप अग्रधन के रूप में जमा करेंगे वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पैसे आप जमा करेंगे अग्रधन के रूप में वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। कब? जब नीलामी खत्म हो जाएगी, नीलामी के पश्चात आपको वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप नीलामी में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो पैसा आपको माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 20,000 का गाड़ी लेते हैं, अगर आप 5,000 रुपया अगर आपको अग्रधन के रूप में जो जमा किए होंगे तो आपको फिर से
₹15,000 देना पड़ेगा, यानी कि 5,000 आपको उसमें डिस्काउंट कर दिया जाएगा जो पैसे आप अग्रधन के रूप में दिए गए होंगे। तो यही प्रोसेस होता है। और यहाँ पे आप देखिए, खुद मैं नहीं बता रहा, ये नोटिस, ये बिहार सरकार के नोटिस में जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिकअप कार, टेम्पो, बहुत सारे गाड़ी यहाँ पे थाने में जब्त किए गए होते हैं। कोई भी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। और एक बात आप और जान लीजिए, बिहार के हर ज़िले में नीलामी होती है। और हाँ, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो भी आप वहाँ पे नीलामी में भाग ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि अगर मैं दूसरे स्टेट से हूँ क्या मैं बिहार में भाग ले सकता हूँ, तो जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप बिहार में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी सारी गाड़ी है, 2,000, 5,000, 6,000 अगर आपके पास है तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे गाड़ी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये थाने का नाम भी दिया गया है, कौन कौन से थाने में गाड़ी जब्त किया गया है। जिस भी थाने में नीलामी होती है, सॉरी, जिस भी ज़िले में जो नीलामी होती है, उस ज़िले के जितने भी थाने हैं आप सभी थाने में विजिट करके देख सकते हैं गाड़ी को। आपको कोई मना नहीं करेंगे, जाएंगे किसी भी पुलिस कर्मी से कहेंगे कि सर मुझे नीलामी की गाड़ी ख़रीदना है और ये नीलामी की जो गाड़ी है वो कहाँ पे रखा गया है, तो आपको आसानी से बता देंगे। और हाँ, वहाँ पे आप जाइएगा थाने में फ्रेंड्स, तो थाने में जो बहुत सारे गाड़ी लगे होते हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि नीलामी का गाड़ी कौन सा है। तो वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर कोई लाल धागा या फिर उसमें कोई टिक मार्क कर दिया गया होता है जो ये इस गाड़ी की नीलामी होने वाली है। और हाँ, एक बात आप और जान लीजिए, वहाँ पे जो भी गाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, वो हर महीने में अलग अलग नीलामी होती है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे 200 गाड़ी है, तो 200 गाड़ी है तो इस महीने में 30 से 35 गाड़ी की नीलामी होगी, फिर अगले महीने में उसमें जो बचे गाड़ी होंगे उसकी नीलामी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस भी ऑनर का गाड़ी होता है उस ऑनर को पहले नोटिस भेजते हैं। अगर वो ऑनर गाड़ी को नहीं छुड़ा पाते हैं, किसी कारणवश गाड़ी थाने से नहीं लाते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस गाड़ी को फिर नीलामी के तौर पे उसे नीलाम कर दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है। और एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत से भाई का जो गाड़ी खुद का जब्त किया गया होगा, वो लोग सोच रहे होंगे क्या मैं इस गाड़ी को ख़रीद सकता हूँ मैं खुद से, तो जी हाँ, आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। अगर आपका गाड़ी जब्त किया गया है तो आप भी नीलामी में भाग लेकर के ख़रीद सकते हैं, चाहे आप किसी भी, सॉरी। तो यही फ्रेंड्स, यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है, आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों में। और एक बात आप जान लीजिए, आपको किसी भी ज़िले की नीलामी की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही बिहार में नीलामी की नोटिस अपडेट होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो सबसे पहले देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।